बड़ी अलग है। मैंने कहा ना कि आज के समाज को एक कैसे कि इसको इंस्पायर कर सकती है कि शॉर्ट फिल्म के जरिए बहुत बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है, और मैं इसके लिए बधाई देता हूं डायरेक्टर साहब को, हमारे एक्टर को और प्रोड्यूसर साहब को, सबको बधाई, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी सोच के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट अच्छे हो, कलाकार अच्छे हो, तो किसी भी क्षेत्र में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कब करना पड़ता है, जब आपको कुछ आता नहीं है और फिर भी आपको काम करना है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो ही आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी अलग से मुद्दे पर एक फिल्म लेकर आए हैं। Yeah, we had this script in mind and we wanted to do something different, not a very conventional cinema. So I approached Rakesh ji and my financiers, so they liked the script so much that they wanted to make a short film out of it. जब सब्जेक्ट निखिल मेरे को लेके आए मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा, बोला मैं इस फिल्म सब्जेक्ट पर तो फिल्म बनानी चाहिए, ज़रूरी है ऐसी मैसेज देना फिल्म इंडस्ट्री के नए लोगों के लिए। मेरे मेरे ओके किया और बोला ठीक है। ओके, कास्टिंग करना आपके लिए कितनी मुश्किल थी, इसके बारे में थोड़ा सा। कास्टिंग वाज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इफ़ यू सी द लीड, शी हैज़ टू गो डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट देयर इज़ अ फेज ऑफ होप, देन देयर इज़ अ फेज ऑफ कन्फ्यूजन, देन देयर इज़ अ फेज ऑफ रिवेंज। सो हमने काफ़ी ऑडिशन लिया, बट लवीना वॉज क्वाइट वेल एंड इवन ओक्साना शी फिट द बिल क्वाइट वेल एज शीना। एंड मुकेश जी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सेडक्टिव तरीके से कैसे वो ट्रैप में करते हैं, तो ऑडिशन से हमें काफ़ी मतलब अच्छे एक्टर्स मिल गए जिससे हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होगा। यस, देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट आई वुडंट लाइक टू डिस्कस अंटिल इट्स एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। एंड आई थिंक आई एम आल्सो डूइंग लॉट ऑफ वेब, बिकॉज वेब इज़ द फ्यूचर। और लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि जो डायरेक्टर्स बड़े पर्दे पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू सेंसर और सीन्स कट हो जाते हैं, तो वो फ्रीडम आपको यूट्यूब में मिलता है। यू नो, व्हेन यू रिलीज इट ऑन वेब, सो यू गेट दैट फ्रीडम, और आप एक डायरेक्टर अपना विजन पूरी तरह दिखा सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। ओके, तो आप खुद को कहाँ पे कंफर्टेबल मानती हैं, वेब सीरीज में और मूवीज में? नहीं, ऐसा कोई स्लॉट नहीं है, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे वेब सीरीज दे दो, मुझे फिल्म दे दो, आई विल परफॉर्म माई 100%। मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। फिलहाल लवीना इज़ अ फ्रेंड, आई नो हर सिंस लाइक मोर देन 7 to 8 years, 8 साल से जानता हूँ इन्हें, इनको ग्रो करते हुए देखा, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो आज इनको इस लेवल पे पहुँचने के बाद जब मैं देखा इनकी एक्टिंग, इनकी एबिलिटी, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टिंग किया इन्होंने, लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। ओके, तो लगता है कि यंगस्टर और जो एक्टर्स जो एक्ट्रेस जो आती है नहीं, उनको बॉलीवुड में उनको ऐसे मैसेज पहुँचेगा? फिलहाल ये शॉर्ट मूवी तो एक मैसेज देता ही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो यंगस्टर्स जो बॉम्बे आते हैं अपनी बहुत बड़ी ड्रीम्स लेके, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आई डो नॉट वॉन्ट टू ब्लेम एनी डायरेक्टर और एनी प्रोड्यूसर समथिंग लाइक दैट। बहुत लोग अपनी टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटी से भी आगे बढ़ते हैं, बट हाँ, सम हाउ हर एक चीज़ की एक डार्क साइड होती है, अगर पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव भी होता है, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। सो होता है, बट दैट टोटली डिपेंड्स कि वो सामने वाला किस तरीके से अप्रूव करता है इस बात को। अगर उसको अपने टैलेंट में भरोसा है तो टैलेंट करता रहे, मेहनत करता रहे। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा बहुत लोग अपनाने की कोशिश करते हैं, और शॉर्टकट का रास्ता एग्जैक्टली लेने से क्या होता है, यू सॉ दैट इन द मूवी। थैंक यू। Thank you.